इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज की बात करें तो इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लिए। सीरीज खत्म हो चुकी हुई है, अब आगे जिसे कह सकते हैं वर्ल्ड कप आने वाला है। और अगर बात करें सीरीज की रिपोर्ट की तो मतलब किस प्लेयर ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई, किस बॉलर ने ज्यादा विकेटें उड़ाई, तो आए जरा जिसे कह सकते हैं आज इस सीरीज की रिपोर्ट पूरी डिटेल से डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुरू करते हैं भाई, कौन से ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने सीरीज के अंदर धमाका दिया, मतलब के बॉलर्स के छक्के छुड़ा के रख दिए। अगर बात करें सीरीज के मोस्ट रन की तो भाई क्विंटन डिकॉक इस पर टॉप के ऊपर आ रहे हैं। 3 मैचेस में 138 रन इन्होंने स्कोर किए हैं 69 की एवरेज के साथ और 145 का स्ट्राइक रेट। क्विंटन डिकॉक की वजह से अगर मैं कहूं तो दूसरा मैच जिसको कह सकते हैं साउथ अफ्रीका हारी थी क्योंकि वो स्लो खेले थे। उसके बाद अगर बात करें सेकंड नंबर की तो डेविड मिलर, मिलर द किलर, मतलब के मिलर जिस किस्म की फॉर्म के अंदर आया है, मुझे पर्सनली डर लग रहा है कि अगर पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो गया और मिलर ने ऐसी बल्लेबाजी कर दी तो भाई हमारा क्या बनेगा। मिलर की बात करें 3 मैचेस में 125 रन इन्होंने बनाए, एवरेज इनकी 125 रन की है, मतलब 2 मैचेस में नॉट आउट गए हैं, 125 रन की एवरेज और 235 का स्ट्राइक रेट। इसी के साथ साथ जिसको कह सकते हैं डेविड मिलर सीरीज के सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर भी बनते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं वन एंड ओनली सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360। इन्होंने 3 मैचेस के अंदर 119 रन स्कोर किए 59 की एवरेज के साथ 195 का स्ट्राइक रेट। अगर हम बात करें इन दोनों टीम्स की तो अगर आप देखें पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इन दोनों टीम्स के नंबर 4 पे जो प्लेयर आ रहे हैं, एक का डेविड मिलर है, दूसरे का कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव है। और दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 170 से प्लस ही रहता है नंबर 4 की पोजीशन में, जो कि बड़ा फायदेमंद है इनको T20 वर्ल्ड कप के अंदर। सूर्य कुमार यादव तीसरे मैच में ज्यादा चले नहीं, इस वजह से वो जिसको कहते हैं लीड नहीं कर पाए। नंबर 4 पे है केएल राहुल, इन्होंने 2 मैचेस के अंदर 108 रन बनाए 108 की एवरेज के साथ और 125 का स्ट्राइक रेट। केएल राहुल के लिहाज से 125 का स्ट्राइक रेट कम है, इनको चाहिए कि थोड़ा स्ट्राइक रेट को अपना इंप्रूव करें। लेकिन अगर ये तीसरा मैच खेलते तो मुझे कंफर्म यकीन था कि जिसको कहते हैं लीडिंग रन स्कोरर में आ जाते, क्योंकि इनका जैसे कहते हैं स्ट्रैट अच्छे हैं 2 मैचेस के अंदर। नंबर 5 पे हैं जी इनके राइली रूसो। राइली रूसो की अगर बात करें सेंचुरी इन्होंने मारी, 2 सेंचुरियां साउथ अफ्रीका ने मारी है, पहली टीम बन गई जिन्होंने इंडिया के खिलाफ किसी सीरीज के अंदर 2 सेंचुरियां स्कोर की हो। तो राइली रूसो ने 3 मैचेस में 100 रन स्कोर किए 50 की एवरेज के साथ 196 का स्ट्राइक, ये भी जिसको कहते हैं एक अच्छा स्ट्रैट है। और नंबर 6 की अगर बात करें दिनेश कार्तिक, मतलब के 2 इनिंग्स में इनकी बल्लेबाजी आई है, 63 रन इन्होंने स्कोर किए 63 की एवरेज के साथ और 225 का स्ट्राइक रेट। 225 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन किए, ये ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि हमने देखा कहते हैं सेकंड मैच के अंदर इन्होंने एंड पे आके छक्के मारे और इस वाले मैच के अंदर भी इन्होंने आके 46 रन मारे थे और इंडिया को एकदम जिसको कहते हैं ना अच्छी पोजीशन पे करते थे, लेकिन इंडिया अपनी विकेट लूज कर गया था। तो रन्स की अगर बात करें तो टॉप 6 बल्लेबाजों के अंदर जिसको कह सकते हैं इंडिया की भी 3 है और साउथ अफ्रीका की भी 3 है, इसके मतलब है कि मुकाबला सख्त रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब बात करते हैं विकेट्स की, ये वो डिपार्टमेंट में जहां पे इंडिया हमेशा से स्ट्रगल करता आ रहा है, मतलब कि एशिया कप से तो ज्यादा ही स्ट्रगल करता आ रहा है कि बॉलर से जो है ना उनकी बॉलिंग लाइनअप वो सेट नहीं हो पा रही। लेकिन अभी मोस्ट विकेट्स की बात करें तो नो डाउट अर्शदीप सिंह जिसे कहते हैं लीड कर रहे हैं, सिर्फ 2 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं और ये लीड कर रहे हैं। और महाराज है 3 मैचेस के अंदर 4 विकेट्स के साथ। प्रिटोरियस जिन्होंने एक ही मैच खेला था, एक मैच में 3 विकेट्स उन्होंने लिए अपने नाम की। दीपक चाहर 3 मैचेस 3 विकेट्स, हालांकि मैं समझता था कि दीपक चाहर को ज्यादा विकेट्स लेनी चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले मैच में 2 तो आउट कर ही लिए थे। और अक्षर पटेल का जिसको कह सकते हैं ये सीरीज बड़ा बुरा रहा है, सिर्फ 3 मैचेस में इन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, लेकिन ये फिर भी जैसे कह सकते हैं नंबर 5 पोजीशन पे आए हुए, इसका मतलब है कि इस सीरीज में बॉलर्स को इतनी विकेट्स नहीं मिली। और अक्षर पटेल की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बड़ी जबरदस्त रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतनी अच्छी इनकी सीरीज नहीं रही। देखिए ये तो थे ना ओवरऑल स्ट्रेट्स। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इंडिया ने काफी लैग किया और कहां पे इंडिया को इससे कहते हैं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने पूरी सीरीज का एनालिसिस किया, हर चीज को गौर से देखा, जो मुझे एक कड़ी नजर आई है जहां पे इंडिया बड़ी जैसे कह सकता है हम सब जानते हैं वो कड़ी जहां पे स्ट्रगल कर रहा है, वो किस वजह से स्ट्रगल कर रहा है मैं आपको बता देता हूं। अर्शदीप सिंह ने 2 मैचेस खेले, 2 मैचेस के अंदर अर्शदीप को पड़े 94 रन 2 मैचेस में पड़े। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी इसको कहते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी भी अर्शदीप की कोई खास नहीं रही। अर्शदीप को इसे कह सकते हैं 14 की इकोनॉमी से रन पड़े हैं, मतलब कि एक ओवर में 14 रन। तो ये जिसे कहते हैं ना थोड़ा सोच समझने वाली बात है, T20 फॉर्मेट में 14 रन के आसपास कहते हैं इकोनॉमी होना, ये कोई अच्छा स्ट्रैट नहीं होता। और एवरेज इनकी है 18 की, ये भी जैसे कहते हैं काफी इतना सही है, नॉर्मल है। इसके बाद बात करें जहां पे इंडिया ने स्ट्रगल की वो था जैसे कह सकते हैं हर्षल पटेल।
हर्षल पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैचेस खेले, हर्षल पटेल ने इसे कह सकते हैं ये वाले मैचेस भी खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मेरे को 3 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट मिली है, लेकिन अगर हम इनके स्टैट्स देखें, इनको रन्स कितने पड़े, इनको 3 मैचेस में 120 रन्स पड़े हैं, 12 ओवर में 120 रन्स इनको पड़े हैं, और लगातार इनका हिसाब है 10 की इकोनॉमी इनकी रही है कि हर ओवर में 10 रन इनको लाजमी पड़ते हैं। तो हर्षल पटेल को चाहिए कि अपना जैसे कहते हैं ना डिपार्टमेंट थोड़ा इंप्रूव करें। दूसरी तरफ अगर बात करें दीपक चाहर की, तो 3 मैचेस में 3 इनिंग्स के अंदर दीपक चाहर को इससे कह सकते हैं 96 रन्स पड़े हैं, 12 ओवर इन्होंने करवाए हैं, 96 रन्स सही है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, लेकिन अगर देखा जाए सीरीज के ओवरऑल कंपैरिजन से तो ये सीरीज हाई स्कोरिंग मैचेस वाली रही है। और इसके अंदर अभी 1 मैच में तो साउथ अफ्रीका 109 पे आउट हो गई थी, उसके बाद इनको रन पड़ना शुरू हुए हैं। तो ये भी डिपार्टमेंट है जहां पे इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। और ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है, वो इसलिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह इस वक्त नहीं है, जसप्रीत बुमराह जिसे कहते हैं अनफिट हो चुका हुआ है। तो बुमराह की कमी पूरी करने के लिए इन्होंने सिराज को भी यूज किया। अब सिराज की अगर बात करें, सिराज ने सिर्फ और सिर्फ 1 मैच खेला, 1 इनिंग्स के अंदर 4 ओवर इन्होंने करवाए, 44 रन इनको पड़े हैं सिराज को, मोहम्मद सिराज को। तो सिराज ने भी 1 ही मैच खेला, तो सिराज को इसको कहते हैं हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उनका कमबैक हुआ है। लेकिन बात यही है कि क्या बुमराह की कमी कौन पूरी करेगा। और अर्शदीप सिंह अगर बात करें, अर्शदीप सिंह एशिया कप में काफी इंप्रेसिव थे, लेकिन वो थे पुराने बॉल के साथ, अब वो इस सीरीज के अंदर नए बॉल के साथ ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन उनको पुराने बॉल से बड़ी मार पड़ी। तो ये जिसे कहते हैं ना सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। बाकी बैटिंग की बात करें तो बैटिंग के अंदर तो इंडिया जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा जिसे कहते हैं कि पिच पे टाइम दें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगर वो वेट करके खेलेंगे तो वो काफी ज्यादा रन से स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज रिपोर्ट में तो इंडिया 2-1 से जीत चुका है सीरीज, इंडिया सीरीज जीत गया है। लेकिन अगर बात करें बैटिंग की, तो साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी में नंबर ले गया, 2 सेंचुरी उन्होंने स्कोर किया। उसके अलावा ये जो कहते हैं ना सीरीज हार के भी फेवरेट होना, तो वो वाला काम साउथ अफ्रीका कर गया और पाकिस्तान को मुसीबत डाल गया, क्योंकि पहले हमें 23 अक्टूबर के मैच की टेंशन थी, अब हमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच है उसकी भी टेंशन है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको हमारे स्टेट्स पसंद आए तो जरूर कमेंट्स के अंदर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।